हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? देखो, दोनों कढ़ाई में तेल पड़ चुका है, इसमें भी डाल दिया हुआ है, इसमें डाल दिया हुआ है। अब दोनों में जा रही हूँ जीरा डालने, इसमें भी डाल दिया हुआ है जीरा, इसमें भी डालने जा रही हूँ जीरा। इधर हमारी सब्जी सारी कट चुकी हुई है, इधर हमारा आटा चावल आ चुका है बाजार से। अब इसमें डालने जा रही हूँ ये है लहसुन है, हरी मिर्च, अदरक उधर डाल दिया है। अबे दूसरे कढ़ाई में हरी मिर्च, अदरक, लहसुन ये सारे जाते हैं। अच्छी ले लेती हूँ इधर से। इसको भी हिला देती हूँ। इसके बाद डाल रही हूँ थोड़ा सी देगी मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, अब ये गोभी हुई काटे डाल दिए इसमें। अब इसको चला देते हैं इधर। थोड़ा हल्का कर दे, इस कढ़ाई को मैंने सीधी कर लेती हूँ पहले। इधर तो हमने पहले आलू डालना है, अब इसको थाली से ढक देते हैं इसे। इसको भी ढक देते हैं। इधर हमारा आटा गुन चुका हुआ है, इधर हमारी सब्जी इधर बन रही है, आपको पास में दिखा रही हूँ। ये सिर्फ सूखी सब्जी है, गोभी की है, ये भी गोभी आलू हैं, इसके लिए अलग सब्जी बन रही, वो अलग लिए बन रही है। अब इसमें भुन चुके हो, सारा मसाला डाल दिया हुआ है। अब इसमें डालने जा रही हूँ पानी, पानी हमने पूरा डाल दिया हुआ है। तेल देखो कितना उतर आ रहा है। अब इसको भी हिला देते हूँ, इसको उतनी देर जितनी देर भूनते रहेंगे जितनी देर पानी नहीं सूखेगा, इसका पूरा पानी सुखाना है। इधर हमने आटा सान लिया हुआ है, अभी बनाना है हमने, आप लोग को भी वीडियो दिखाऊंगी बनाते हुए। इधर मैंने आज बनाया है गुजिया, इसमें ये देखो आटा के आपको पास में दिखा रही हूँ। तो बना के लिए अभी बनाना है, ये गोभी का मसाला है मैंने बना लिया हुआ है, इसी में भरना है आटे में। मैं भर रही हूँ, थोड़ी सी बन गई हुई है क्योंकि मैं अकेली बना रही हूँ, टाइम लगना। इधर हमारा चावल बन रहा है, इधर इधर हमारी सब्जी है। अब इसे ये उठा के अभी इसी सब्जी में डालना, हमने एक एक करके सारे डाल देते हैं। ये है डाल रही हूँ, ये भी एक बचा हुआ है, ये भी डाल देती हूँ, फिर दोबारा बनाती हूँ भाई। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी, बाय।